Hey my beautiful becoming brides and beautiful ladies, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में और मैं हूँ प्रियंका. आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही हेल्पफुल वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि होने वाला है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली एंड सब कुछ. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. एंड अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. एंड साइड में जो छोटी सी बेल बटन है उसको भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप सब लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं अगर बात करूँ मेकअप किट की, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, एक मॉइस्चराइज़र जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन मॉइस्चराइज़र है. और हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये जो मेकअप किट मैंने तैयार की है ये अंडर 500 है. और अगर आप लोग चाहते हो कि मेकअप अंडर 1000 में करूँ तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि, तो फिर मैं फर्दर एक वीडियो उसके लिए भी अपलोड कर दूँगी. तो यहाँ मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली नहीं हूँ कि आप ये ले लो, आप लोग वो ले लो, ऐसा ये नहीं तो वो नहीं तो ये, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. मैं बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मैं नहीं दूंगी कि आप लोग कंफ्यूज भी ना हो. और जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मुझे पर्सनल मुझे अच्छे लगते हैं, सो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. सो यहाँ पे एक बेसिक मॉइस्चराइज़र होना चाहिए आपके पास में. सो हेयर आई एम गिविंग द निविया का ये सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र है. आप देख सकते हो, आपको ये इजिली अवेलेबल हो जाएगा किसी भी मार्केट में एंड किसी भी शॉप में. ये है इसका जो फ्रेग्रेंस है, ये ट्रॉपिकल फ्रूट. इसमें ना, इसमें 3 वेरिएंट आए हुए हैं. एक ऑलरेडी इसका ओरिजिनल वाला था, वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ. ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, डे टाइम एंड नाइट टाइम के लिए आपके लिए बेस्ट होने वाला है क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी लगती है और सभी स्किन टाइप को सूट भी करेगा क्योंकि निविया का जो मॉइस्चराइज़र एंड के जो बॉडी केयर प्रोडक्ट्स होते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं एंड अफोर्डेबल भी होते हैं. साथ ही साथ ये आपको मिल जाएगा 160 का. डेफिनेटली अगर आप लोग परचेज़ करो किसी ऑनलाइन वेबसाइट से या ऐप से तो आपको डेफिनेटली आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा. तो ये हो गया मॉइस्चराइज़र. सेकेंड बात आती है प्राइमर की, क्योंकि प्राइमर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मेकअप को स्टार्ट करने से पहले. तो यहाँ मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रही हूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज करने वाली नहीं हूँ. मैं दे रही हूँ ब्लू हेवन का, और प्राइमर है ये परफेक्ट मेकअप बेस एंड स्टूडियो परफेक्शन है. ऑयल फ्री नॉन ग्रीसी प्राइमर है, आप देख सकते हो. और ये है इसका काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट फॉर्मूला एंड ये है सिलिकॉन बेस्ड. सो आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा सफल एंड सॉफ्ट बना देगा. सो ये आपका 300 के अंदर ही आपको मिल जाएगा. यस, एग्जैक्टली ये 300 का ही है. एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँगी फाउंडेशन की. फाउंडेशन के लिए आप ले सकते हो ये मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन, और ये है मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन. और ये अच्छा रहता है और ये 500 के अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा. बेसिकली मैंने जब इसे परचेज़ किया था ये 575 का था, बट इसके प्राइजेज अब गिर चुके हैं. आपको आराम से अगर आप लोग ऑनलाइन देखोगे ना तो आपको ये 425 के आस. और अगर आप लोग चाहते हो डेली बेसिस के हिसाब से कोई हल्का फुल्का सा यू नो बीबी क्रीम और सीसी क्रीम तो आप लोग यूज़ कर सकते हो. ये है पॉन्ड्स की बीबी प्लस क्रीम. इसमें 2 वेरिएंट आ चुके हैं. ये पहले सिर्फ एक ही शेड आता था, क्या नाम है, ओरिजिनल. आप लोग मीडियम का भी ले सकते हो अगर आप लोगों की स्किन जो है थोड़ी सी डार्क है. तो 2 शेड्स आ चुके हैं, ओरिजिनल एंड मीडियम, आप लोग ट्राई कर सकते हो. ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, आप लोग डेली बेसिस के हिसाब से ये ले सकते हो. ये ट्यूब काफ़ी चलता है और ये है 145 रुपीज़ का. डेफिनेटली यू विल गॉट द डिस्काउंट एंड यू कैन चेक इट आउट ऑन द एप्स. सो ये हो गया प्राइमर, फाउंडेशन एंड बीबी क्रीम. एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ एक कंसीलर जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट कंसीलर है, जो कि है मेबलिन फिट मी का कंसीलर. और मेरा शेड है 10 लाइट लेज़र. सो आप लोग अपने अकॉर्डिंग शेड ट्राई कर सकते हो. अगर आप लोग को शेड का आइडिया नहीं है तो आप लोग डायरेक्टली यू नो स्टोर पे जाके चेक कर सकते हो. एंड फाउंडेशन में मेरा शेड है क्लासिक आइवरी 1. की टिप काफ़ी अच्छी है और ये ना आपको जेड ब्लैक यू नो लुक प्रोवाइड करता है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है. आप लोग देख सकते हो इसमें कितना ज़्यादा जेड ब्लैक है, आप लोग चेक कर सकते हो. और ये ना वाटरप्रूफ है और स्मच भी नहीं करता है, आपका लाइनर कहीं नहीं जाने वाला, आप लोग बेफिक्र होके. और अगर आप लोग इसका रिव्यू देखना चाहते हो तो मैंने इसका इंडिविजुअल रिव्यू अपलोडेड किया है अपने चैनल पे, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं बेफिक्र होके. मस्कारा के लिए मैं यहाँ पर ऑप्शन दे रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटरप्रूफ मस्कारा. यू कैन सी
दिस इज़ द पैकेजिंग एंड ये काफ़ी अच्छा इसका वॉल्यूम मिलता है आपको आइज़ के लिए, आपकी लिफ्ट अप हो जाती हैं एंड इसका वॉन्ड भी बहुत अच्छा है तो ईजिली आपका अप्लाई करने में हेल्प करेगा और ये अंडर 500 ही है। एंड नेक्स्ट हमारा बेस मेकअप तैयार हो गया। अब मैं बात कर लेती हूँ एक कॉम्पैक्ट की पाउडर की, तो हेयर आई एम गिविंग द ऑप्शन फॉर लैक्मे एब्सोल्यूट, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। मेरा शेड है इसमें आइवरी फेयर और ये आपको 180 का मिल जाएगा, डेफिनेटली विल गॉट द डिस्काउंट। और ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का परफेक्ट रेडियंट स्किन लाइटनिंग कॉम्पैक्ट विद SPF 23, आपको SPF भी मिला है, UVA UVB प्रोटेक्शन, तो आप लोग वरीड किए बिना आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। और ये मेरा ऑलमोस्ट आपको एक मिरर भी मिलता है तो ये मेरा ऑलमोस्ट आप देख सकते हो फिनिश होने वाला है और मेरा ये फेवरेट है और काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हो अपने शेड के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट के लिए बात करती हूँ, तो आप लोग ले सकते हो ये वेट एंड वाइल्ड के आई शेडो पैलेट, एक शेड है रोज इन द एयर, एक शेड है कम्फर्ट जोन, ये है रोज इन द एयर, ये काफ़ी ज़्यादा हॉट सेलिंग है पैलेट क्योंकि इसमें आपको ना काफ़ी अच्छे शेड्स मिल जाते हैं जो आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट पड़ने वाले हैं। आप ये देख सकते हो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल शेड्स हैं, आप देख सकते हो ये आपको शिमरी शेड्स मिल रहे हैं, सो यू कैन सी, और अच्छी पिगमेंटेशन भी है और एक ये भी है आपका शिमरी शेड और ये बाकी आपको मैट फिनिश में मिल रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं आपके क्रीज के लिए एंड सभी के लिए। और ये हो गया और सेकंड मैं आपको ऑप्शन देती हूँ ये वाला कंफर्ट जोन का, इसको मैंने नायका से ही परचेज किया था, इसमें काफ़ी सारे शिमरी शेड्स हैं आप देख सकते हो, एक तो ये हो गया ओके एंड सेकंड वन इज़ दिस, थर्ड वन इज़ दिस एंड फोर्थ फिफ्थ, ओ माय गॉड कितना ज़्यादा पिगमेंटेड आप देख रहे हो। और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है, सो और भी हैं इसमें शेड्स, ये वाला थोड़ा हाथ हटा दूँ और ये भी मिल रहा है आपको और कहाँ दिखाऊँ मैं, ये भी मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल इसमें शिमरी शेड्स ज़्यादा हैं, सिर्फ टू इसमें मैट हैं ऊपर नीचे वाले एंड फिर ये बीच के सारे शेड्स इसमें शिमरी हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइलाइटर की, हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देने वाली हूँ, पहला मैं दे रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का, यार ये मुंह पे इसके क्यों स्टिकर चिपका देते हैं कंपनी वाले मुझे समझ ही नहीं आता है, ये शेड है ब्लॉसम ग्लो, तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शेड है, इसका बहुत ही बेहतरीन है गाइस, आई कांट टेल यू दिस इज सो ब्यूटीफुल, यू कैन सी इट्स सो ब्यूटीफुल, इसकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी है आप इसको ईजिली ब्लेंड कर सकते हो, आप देख रहे हो कितनी ईजिली ब्लेंड हो गया है, इसको अगर दिखाऊँ भी यहाँ पे देख, और कितने फिंगर की हेल्प से ही बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है ऑप्शन वेट एंड वाइल्ड का, आपको ये नॉर्मल शॉप्स पे नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन ही परचेज करना पड़ेगा इसको, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको ऑनलाइन परचेज ही करनी पड़ेंगी, हर चीज़ आपको स्टोर्स में अवेलेबल नहीं हो पाएगी, सो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ, ये सब कुछ अंडर 500 ही, आई थिंक 499 का था ये, और डिस्काउंट के साथ आपको अच्छे से मिल जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास सिवाना कलर्स का शिमर ब्रिक्स, ये है और ये मेरा सबसे पहला हाइलाइटर है, इसको मैंने परचेज किया था फर्स्ट टाइम और मेरे काफ़ी दिल के करीब है क्योंकि जो मैंने पहली बार यूज़ की थी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल हो जाती हैं, तो आप लोग होप कि आप लोग समझ सकते हैं। और इसमें ना काफ़ी सारे शेड्स हैं, आप लोग देख सकते हो पिंक्स और लाइट बेबी पिंक है, कॉपरिश कलर है और ये थोड़े से पिंकिश में है, वाइटिश में है, आप इनकी भी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है ओके तो आप लोग देख सकते हो ये आपको अप्रॉक्स 300 या 350 के अराउंड मिल जाएगा, मुझे याद नहीं है कि मैंने इसको कितने में लिया था एग्जैक्टली, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज किया था, सो ये ऑल इन ऑल आपका काफ़ी पर्पस सॉल्व कर देगा और इसको ना आप एज ए अगर आप लोग चाहते हो कि अपने आई बेस शेडो के लिए आई शेडो के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो।
एंड यू कैन सी कितने अच्छे से अप्लाई भी हो गया, ब्लेंड भी हो गया। माय फेवरेट जो कि है मेबलिन का कलर शो ब्लश, और ये भी मेरा पहला ब्लश था जो मैंने परचेज़ किया था, एंड इसे मैंने नायका से परचेज़ किया था। और ये काफ़ी पिंकी कोल्डली काइंड ऑफ शेड है, ये मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि मुझे जितना सटल ग्लो चाहिए होता है उसके हिसाब से मैं बिल्डअप कर लेती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, आप देख सकते हो। और ये ब्राइड्स के लिए ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कलर है, बहुत ही ब्लश बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ब्राइड्स के ऊपर तो ख़ास तौर पर। तो ये बेसिकली इसका ओरिजिनल प्राइस है 325 रुपीज़, एंड आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मेरे पास कॉन्टोरिंग, और मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन देने वाली हूँ जो कि है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो कॉन्टोरिंग पैलेट कॉन्टोर इन द शेड डोल्ची लैची, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रोनंसिएशन। ओके, ये एक वन साइड आपको कॉन्टोर मिल जाएगा, एक साइड आपको बनाना पाउडर मिल जाएगा, तो ऑल इन ऑल आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। सो ऑप्शनल है, अगर आप लोगों का मन हो तो आप लोग ले लीजिएगा, वरना कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। मैं फिलहाल आप लोगों को ऑल इन ऑल सब कुछ दिखा रही हूँ। नेक्स्ट बात आती है आईब्राउज़ की, तो आईब्राउज़ के लिए मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ दो ऑप्शन। पहला मेबलिन का फैशन ब्राउ क्रीम पेंसिल, ये है बहुत ही प्यारा शेड, इसका ब्राउन शेड है और ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है और अच्छे से लग भी जाती है, अप्लाई हो जाती है। तो आप जितनी मर्जी चाहे उसको डार्क कर सकते हो अपनी ब्राउज को, जितनी मर्जी चाहे आप लाइट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एंड नेक्स्ट है मिस क्लेयर की वाटर प्रूफ आई ब्राउ पेंसिल इन द शेड 02 डार्क ब्राउन, एंड इस साइड आपको एक ये ब्रश मिलता है, आप इससे कॉम कर सकते हो। तो काजल के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ एक है फेसेस कनाडा का ऑल टाइम फेवरेट, और ये है मेगा मैगनेट आईज काजल वाटर प्रूफ स्मच प्रूफ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। ये काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग स्मच प्रूफ काजल है एंड काफ़ी लंबे टाइम तक ये आपके आईज पे टिकेगा, और ये मेरा फेवरेट है। तो ये भी आपको आराम से मिल जाएगा बहुत ही अच्छे से प्राइस में, और 500 के अंदर ही मिलेगा, आई मीन 200 के आसपास आपको मिल जाएगा काजल ये। एंड नेक्स्ट है लैक्मे आइकॉनिक का काजल, तो इसको भी आप लोग देख सकते हो, इसको आप लोग परचेज कर लीजिएगा, ये भी ब्लैक कलर का ही है और ये भी मुझे काफ़ी पसंद है, देख सकते हो ब्लैक पिगमेंटेशन मिल रही है, अच्छा है ये भी। मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी फेवरेट लिपस्टिक जो कि है नायका की, और ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है गाइस, ये मेरा शेड बहुत ही पसंद है मुझे, ये शेड है 10 मर्लिन, एंड ये 4.2 ग्राम की क्वांटिटी के साथ आती है, और इसका शेड आप देख रहे हो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, और इसे आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शेड है ये एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है। ओके, आप जितना मर्जी हो, आपका जो मन हो खाओ पियो, बिल्कुल अभी हटने वाली नहीं है, बहुत अच्छा शेड है। अपने अकॉर्डिंग आप शेड अपने अपने कलर कॉम्प्लेक्शन के साथ में आप इसको शेड को ले सकते हो, बट ये शेड ना सभी स्किन टाइप को सूट करने वाला है, क्योंकि ये शेड कुछ ऐसे होते हैं जो सभी ब्राइड्स के ऊपर सूट करेंगे। एंड शुगर की जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा शेड है, ओके, डेली बेसिस के हिसाब से एंड काफ़ी अच्छा प्यारा शेड है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ये है कलर बार की रम रीजन इन द शेड 41, और ये भी काफ़ी प्यारा शेड है, आप लोग देख सकते हो, रेडिश मरूनिश काइंड ऑफ शेड है इसका, और मैं आपको इसका स्वॉच करके दिखा देती हूँ, थोड़ा सा पिंक टोन में भी है और काफ़ी अच्छा ये शेड लगता है, ब्राइट्स के ऊपर काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड नेक्स्ट है अगेन फ्रॉम द कलर बार, और ये मेरी फेवरेट शेड है हार्ट्स एंड टार्ट 80, और आप देख सकते हो इतनी बची है सिर्फ, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शेड है, प्रॉपर रेड जिसे कहते हैं ना, प्रॉपर रेड है ये पूछिया, और ये मैट है, क्रीमी मैट फॉर्मूला है इसका, और ये शेड है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट पिंक कलर है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं दिखा दे रही हूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा ब्राइट्स पे, तो अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ऐसे तो बहुत सारी हैं, बट
मैं ये वाली Maybelline की लिपस्टिक मैं नहीं शेयर करूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसमें ये शेड है न्यू न्यूंस और ये है द पाउडर मैट्स की है गेट रेड डाई। तो ये दोनों Maybelline की हैं बट ये इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और ये मैं जो शेयर कर रही हूँ ये ना लॉन्ग लास्टिंग है तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगी। और नेक्स्ट मैं लिक्विड लिपस्टिक्स में शेयर करने जा रही हूँ नायका की इन द शेड महारानी 02। ये काफ़ी सही वाला शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है अगर आप लोग बिकमिंग ब्राइट्स हैं और अगर आप लोग ऐसे भी लगाना चाहते हो तो बहुत अच्छा लगता है। आप देख लो वाओ कितना ज़्यादा खूबसूरत शेड है ये, ओह माय गॉड अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लगता है ये शेड और जब ये ड्राई हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। एंड नेक्स्ट हो गई वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक और ये शेड है मिसी एंड पीएससी और ये भी बहुत ही बेहतरीन रेड शेड है, बेहतरीन मैं आपको बता नहीं सकती, ओ माय गॉड सिर्फ वन स्वाइप में कितना अच्छा पिगमेंटेशन आया आप देख रहे हो। सो ये काफ़ी ज़्यादा रेड्स एंड पिंक्स के मैंने ऑप्शन दे दिए, अभी बहुत सारी है, ये बटन वाइल्ड की है, ईवी है और शेड है बेरी रिकॉग्नाइज, मैनी मोर, बहुत सारी लिपस्टिक्स में की तो कोई लिमिट ही नहीं है कि आप लोग कौन सा शेड ना लो और कौन सा शेड लो क्योंकि हम गर्ल्स के लिए जितनी सारी लिपस्टिक्स हो उतनी कम है। तो ये आप सब देख सकते हो। एंड नेक्स्ट फाइनल एंड लास्ट स्टेप होता है मेकअप फिक्सर और मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर और ये मिस्ट सेटिंग स्प्रे है, इसका फॉर्मूला काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है और अच्छा है, आपको कवरेज भी दे देता है ये, साथ ही साथ आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखता है। ये 340 का तो आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो, इसको ले सकते हो और मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी और अगर आप लोग ये किट इस तरीके से तैयार करना चाहते हो तो आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो अपनी किट। और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स भी मैंने शेयर किए हैं, जो आपकी मर्जी हो वो आप ले सकते हो। सो गाइज दिस वॉज द होल किट अंडर 500। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने मेरे वीडियो को कर दिया है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड साइड में जो छोटी सी बेल बटन है उसको भी आप लोग हिट कर दीजिएगा। एंड मेरा एक और चैनल है समथिंग मैजिकल के नाम से, आप लोग उसको भी जाके चेक करिए, उसमें बहुत ही बेहतरीन वीडियो पड़े हुए हैं। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।